हम सब के अंदर दो चीज सबसे कमी है, एक है सही इंसान को अपना हीरो चुनना, और सेकंड है उस इंसान को हीरो चुनने के बाद उनका सारी दोष माफ कर देना। इमरान हाशमी ने अक्षय कुमार को अपना हीरो तो चुन तो लिया, बट उनका हर दोष माफ नहीं करने वाले हैं। हेलो बॉस कल सेल्फी का ट्रेलर रिलीज किया। अगर सही बात करें ना, लगातार फिल्में फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार का एक ट्रेलर देख अच्छा लगा। सेल्फी ट्रेलर के अंदर इमरान हाशमी और अक्षय कुमार का जो कॉम्बिनेशन है, और जिस तरीके से इमरान हाशमी ने अक्षय कुमार को चेज कर रहे, लग रहा है कि फिल्म अच्छे होने वाले हैं। यस गाइस, फिल्म का डायरेक्टर है राज मेहता। राज मेहता का पिछले फिल्म गुड न्यूज़ फिल्म में अच्छे कंटेंट की वजह से ये फिल्म थोड़ा हिट हो गया। आप जो राज मेहता ने फिल्म ला रहा है वो एक मलयालम फिल्म का रिमेक है। मलयालम फिल्म का नाम है ड्राइविंग लाइसेंस। पृथ्वीराज सुकुमारन का एक सुपर हिट फिल्म है। यह फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा कमाई किया था। अब यह फिल्म हिंदी में डबिंग नहीं है, इसलिए मेकर्स ने सोच लिया अब इस फिल्म को हिंदी में रिमेक करेंगे। अगर हिंदी में रिमेक कौन करेगा? अक्षय कुमार से अच्छा एक्टर अब तो इंडस्ट्री पे नहीं है। इमरान हाशमी इस फिल्म में एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अक्षय कुमार एक सुपरस्टार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इमरान हाशमी जिस तरीके से अक्षय कुमार को ऊपर से लेकर सड़क तक आ गया ना, ये देख के मजा आने वाला है। सही बॉस ट्रेलर के अंदर ये देख के जस्ट मजा आने वाला है। जस्ट मैं सोच रहा हूँ फिल्म कितना अच्छा होने वाला है। अगर थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छा हो गया ना, तो ये फिल्म पैसों का बारिश करेंगे, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल फिल्म है ड्राइविंग लाइसेंस, इसका हिंदी डबिंग अभी तक नहीं है। सो अभी तक हिंदी भाषी ने इस फिल्म को नहीं देखे होंगे। सो बॉस आप लोग रेडी हो जाओ, 24 फरवरी फिल्म आपके नजदीकी थिएटर में आ जाएगा। हाँ, एक फ्रेश कंटेंट तो नहीं है, एक रिमेक फिल्म है, बट गाइस हम लोगों के लिए एक फ्रेश कंटेंट होने जा रहा है। अक्षय कुमार को डिस्ट्रॉय और इमरान हाशमी को विनर देखने के लिए आप लोग जस्ट रेडी हो जाओ। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में बहुत अच्छे काम किया, एक सूत्रों से मुताबिक कुछ खबर आ रहे। सो बॉस इस फिल्म अगर सही तरीके से अगर हो गया ना, तो अक्षय कुमार का तो लट लग जाएगा। बॉस ट्रेलर देखने के बाद मेरे को ऐसा फील हो रहा है अक्षय कुमार का ये फिल्म शायद अच्छे होने जा रहे, क्योंकि लगातार उन्होंने जो फ्लॉप दिया, चाहे आप काटपुतली देख लो या रामसेतु देख लो, इन सब फिल्म की फ्लॉप होने के बाद शायद अक्षय कुमार को थोड़ा भी अक्कल आएगा कि मेरे को अब अच्छा काम करना पड़ेगा। तो बॉस इस फिल्म में अगर थोड़ा सा भी कंटेंट अच्छे निकल गया ना, तो ये फिल्म चल जाएगा। सो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।